मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धियां प्राप्त होने की आपको संभावना ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम अंदर बाहर से पूरे शुद्ध होना चाहिए दोस्तों, हमारी वास्तु वास्तु शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। हमारे जो भक्ति है, हमारा जो भक्ति मार्ग है, वो धर्म शास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए दोस्तों, तब जाकर हम इसके पात्र बन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज बुधवार तारीख 3 मई 2023, शैलवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी है। रात को 11:50 के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों आज का हस्त नक्षत्र है। रात को 8:56 के बाद चित्रा नक्षत्र का आरंभ होगा। योग दोस्तों हर्षण योग है। सुबह है 11:27 के बाद वज्र योग का आरंभ होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 11:39 के बाद तैतिल करण आरंभ होगा और रात को 11:50 के बाद गरज करण आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस प्रकार होगी। सूरज मेष राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन सुबह 6:11 पर होगा और निगमन शाम को 7 बजे होगा। दोस्तों, आज की पूजा का संकल्प हमें छोड़ना है। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले ले और संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रामने प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्पादे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी सवत्सरणों में शोभन नाम सत्सर उत्तरायणे वसंत ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे हस्त नक्षत्रे हर्षण योगे कौलो करणे त्रयोदशी शुभति तो मनुगोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात्र दुर्दक्षय द्वार से पार्वती पति परमेश्वर व्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 11:27 तक है। अगर आपको इस समय के बाद कोई संकल्प छोड़ना है तो आपको ऊपर वाली पंचांग का आधार लेना होगा दोस्तों। दोस्तों, आप कुछ धार्मिक विधियों के मुहूर्त हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त दिए गए हैं। तारीख 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15 और 16। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 3, 7 और 9। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 3, 7 और 16। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 3, 4 और 12। ग्रह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 3, 7 और 11। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 3, 11, 12 और 15। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों तारीख 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15 और 16। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों एक ही मुहूर्त है दोस्तों तारीख 10।
देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको किसी भी देवी देवताओं की करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों, तारीख 3, 11, 12 और 15। दोस्तों जनेऊ संस्कार के लिए एकमेव मुहूर्त है जो तारीख 10 को है, इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों इन ऊपर वाले मुहूर्त में कुछ समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें। किसी पंचांगधारी से जाने या किसी ज्योतिषी से या किसी पंडित से जाने दोस्तों, या आप मुझे फोन भी कर सकते हैं दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई अपनी ही एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्म द्वेष के खातिर खुद होके किसी पंडित के सारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर न करें। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ हट के मुहूर्त दिए गए हैं, गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्त काल, इनका भी आप चयन ना करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए। दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे, कुछ कहा नहीं जाएगा दोस्तों। इन मुहूर्तों में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों आज का शुभ दिन है, दिन विशेष प्रदोष व्रत है दोस्तों। जो लोग भक्तगण प्रदोष व्रत का आचरण करते होंगे उन्हें नियम में रहकर, नियम के अंदर रहकर आपको यह प्रदोष व्रत भगवान की चरण पे अर्पण करना है दोस्तों, और पूजा होने तक तो आपको उपवास करना ही है दोस्तों। खाली दिन भर आप ख्याल में रखो तीखा या खट्टा, आपको यानी तीखा और मीठ जो है नमक, ये दोनों चीज आपको वर्ज करने। अग्निवास दोस्तों धरती पर नहीं है, इसलिए आप नए कोई छोटा हो या बड़ा हो महावल या यज्ञयाग नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल में दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है दोस्तों। अगर आपको राहु की भय से अगर अपना काम असफल होने लगता है तब जाकर आप ये समय के बाद ही कोई अपना जो महत्वपूर्ण काम है उसे सफल करने की कोशिश करें दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द शीघ्र फलदायी होती है दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले भी। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आपका अपना कमेंट्स जरूर देना है दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महादेव।